तो हेलो गाइज, आप लोग के फिर से स्वागत है सिंघम भाई ब्लॉग्स में। तो आज के वीडियो में कुछ अलग ही होने वाला है, और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ भारत बेंच गाड़ी के बारे में, और इस गाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी का डाला कैसे उठाएं। तो गाड़ी में चलेंगे और आप लोग को बताएंगे कि इस गाड़ी का लिफ्ट कैसे उठाया जाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और मेरा नाम विदेश कुमार है और मैं झारखंड के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ, और मैं इसी गाड़ी को ड्राइव करता हूँ। अभी फिलहाल गाड़ी में खड़ा किया हूँ यहाँ पे, और अभी आप लोग को बताऊंगा कि डाला कैसे उठाएं और इसको चलाने के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए अगले वीडियो में बताऊंगा चलाने के लिए। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ सिर्फ डाला कैसे उठाएं गाड़ी का। तो चलिए चलते हैं थोड़ा गाड़ी में। और आप तो गाइस देख सकते हैं, ये रहा पूरा गाड़ी, और गाड़ी में चलेंगे। तो गाइस बता दूं कि अभी हम फिलहाल गाड़ी में आ गए हैं, और ये रहा पूरा गाड़ी, गाड़ी का केबिन है। तो दोस्तों बता दूं कि गाड़ी को डाला उठाने के लिए सबसे पहले आपको चाबी देना है, जो यहाँ पे नीचे रहता है, यहाँ पे देखिए चाबी, यहाँ पे चाबी देना है। चाबी देने के बाद आपको मीटर में ध्यान देना है कि डीजल ध्यान देना है और प्रेशर ध्यान देना है, जो अभी 6 से ऊपर है। ये अगर 6 से प्रेशर नीचे रहता है तो डाला नहीं उठेगा और गाड़ी बढ़ेगा भी नहीं। अगर गाड़ी मान के चलिए खड़ा है तो गाड़ी बढ़ेगा भी नहीं। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, प्रेशर बनाता नहीं है, प्रेशर पर ध्यान नहीं देता है और गाड़ी बढ़ाता है और गाड़ी बंद हो जाता है। तो सबसे पहले आप प्रेशर बना लीजिए, डाला उठाना हो या गाड़ी बढ़ाना हो, और गाड़ी को न्यूट्रल रखना है। डाला उठाने के लिए गाड़ी को न्यूट्रल रखना है, और न्यूट्रल जब गाड़ी रहेगा आपका तो यहाँ पे एन लिखा रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे एन है। अगर एक नंबर में रहेगा तो यहाँ एक नंबर लिखेगा, दो में रहेगा दो लिखेगा, और गाड़ी को न्यूट्रल रखना है डाला उठाने के लिए। तो आप लोग बता दो कि उसका बाद सब चीज मीटर पे ध्यान दे देना है, प्रेशर डीजल बस, और ये सब देख लेना किलोमीटर, ये सब तो किलोमीटर एमआरपी है, और टाइम बता रहा है यहाँ पे अभी 8:34 हो रहा है, ये सब है। तो गाड़ी का डाला उठाने के लिए फर्स्ट बात आपको गाड़ी स्टार्ट करना है। तो गाड़ी स्टार्ट हो गया, गाड़ी स्टार्ट करके आपको इधर लेफ्ट साइड में बटन दिया रहेगा यहाँ पे, जो ये बटन है देखिए, पहले बटन को दबाना है क्लच ले करके, नीचे क्लच है बायां साइड में यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे क्लच को पहले दबाना है। क्लच दबाने के बाद इस बटन को नीचे की ओर करना है, नीचे करने के बाद यहाँ पे देखिए रेड जल जाएगा और यहाँ पे पहचान दे देगा, देखिए यहाँ पे। अगर इसको बंद करते हैं, देखिए इसको बंद कीजिए, वहाँ हट गया, और इसको अगर चालू करें वहाँ पे फिर से आ गया, यही करना है। उसके बाद क्लच को लेकर के इसको बटन को फूस करना है, फूस करने के बाद राइट साइड में नीचे लिफ्ट दिया रहेगा, देखिए यहाँ पे ये है लिफ्ट। इसको सबसे पहले ये बीच में रहेगा, अगर नीचे कीजिएगा तो डाला बैठेगा और ऊपर कीजिएगा तो उठेगा। तो इसको ऐसे करके ऊपर का फूस करके, क्योंकि ऐसे होगा नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसको ऊपर का फूस करके, ऊपर का फूस करना है। उसके बाद इसको ऊपर के करना है, ऊपर के करने के बाद आपको आराम से कुछ करना नहीं है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, ठीक है। क्लच को छोड़िए, और देखिए आप क्लच छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, और मेरा डाला उठ रहा है, डाला उठने लगा, और अगर डाला को बैठाना है तो फिर से क्लच लेना है। क्लच लेने के बाद इसको इसको पुश करके इसको ऐसे पुश करना है और नीचे को कर देना है, देखिए मेरा डाला बैठने लगा। डाला बैठ गया। इसके बाद क्या करना है कि इस बटन को ऑफ कर देना है, बटन को ऑफ कर देना है। और कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है कि डाला उठा है और गाड़ी बढ़ाने में प्रॉब्लम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये क्लच लेकर के बटन ऑन ही रहेगा, बटन ऑन ही रहेगा, और एक नंबर गियर लगाइए, यहाँ से गियर लगा करके यहाँ पे गियर लगाइए, यहाँ पे न्यूट्रल का चिन्ह हट जाएगा, जब आगे गाड़ी बढ़ेगी तो एक नंबर लिख देगा। अभी फिलहाल आगे गाड़ी खड़ा है इसीलिए हम बढ़ा नहीं सकते हैं, तो यही करना है, यही फॉर्मूला है डाला उठाने का, बस इसका बाद डाला उठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेलो दोस्तों, आप लोग से आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। और गाड़ी चलाने के बारे में अगले वीडियो में लेके आऊंगा, ऐसे मेरा चैनल पे गाड़ी चलाने के लिए 100 किलो का वीडियो डाला गया है, और भारत बेंच का भी एक डाला गया है।
तो आप लोग चैनल पर जा करके देख सकते हो वीडियो, अगर देखना है तो। ऐसे मैं फिर से एक नए तरीका से वीडियो लेके आने वाला हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा कि गाड़ी को कैसे चलाया जाए। तो दोस्तों अगर कुछ दिक्कत होगा आप लोग को तो कमेंट सेक्शन में ज़रूरी बताइएगा, मैं बताने की जहाँ तक हमको जानकारी है कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि इसी तरह के रिलेटेड वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।